नमस्कार दोस्तों, बैटविक कॉर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले पालक की सब्जी। ये हम बनाते हैं व्हाइट चने के साथ और पालक को मिला करके। आप पालक पनीर भी खाए होंगे और पालक आलू की सब्जी भी आपने खाई होगी। सर, आप कभी ये छोले पालक की सब्जी इस बार ट्राई कीजिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने ये 120 ग्राम मेरे पास छोले हैं व्हाइट चने। इसको हमें क्या करना है, रात भर पानी में भिगो के रखना है और सवेरे इसको नमक और आधा चम्मच आप नमक ले लीजिएगा और थोड़ा सा मीठा सोडा, 2-3 पिंच मीठा सोडा आप ले लीजिएगा। उसे डाल के हमें इसको उबालना है और साथ के साथ क्या करना है, हमने पालक हमें लेनी है 600 से 700 ग्राम और उसे हमें उबालना है और उबाल करके हमें उसको पीसना है। तो मेरे पास ये जो है पालक की प्यूरी जो है वो बनी हुई है। इसमें कुछ भी नहीं है, नमक और मिर्ची वगैरह कुछ ही मैंने ऐड नहीं किया था। जस्ट आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल बरकरार है। अब छोले की जहाँ तक बात है, तो मैंने रात को छोले को भिगो दिया था और उबाल लिया है, तो मेरे पास ये छोले उबले हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है तड़के की तैयारी। तो चलिए लगाते हैं इसको तड़का। तो दोस्तों, मैंने कढ़ाई रख ली है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल। आप यहाँ पे चाहे तो देसी घी भी यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 मीडियम साइज प्याज कटे हुए। सबसे पहले हम प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। तो प्याज हमारे थोड़े से पक चुके हैं। अब मैं इसके साथ में डाल रही हूँ 6 कली लहसुन और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कूट लिया था। हम इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। इसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे हल्दी। ये मैं हल्दी 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ों को हम अच्छे से पहले पका लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। हम इसके अंदर और कोई एक्स्ट्रा सूखा मसाला नहीं डालेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। इनका छोले का अपना टेस्ट बहुत अच्छा होता है, पालक का भी अपना टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ज़रूरत ही नहीं है। हल्दी पक चुकी है, लहसुन अदरक की पेस्ट भी पक चुकी है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं ये 3 टमाटर है और साथ में इसके 2 हरी मिर्च। इन दोनों चीजों को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, तो अब हम इसमें डाल देते हैं। दोस्तों, अब इसी के साथ में मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च। मैं पहले ही इसमें हरी मिर्च डाल चुकी हूँ, तो मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो लाल मिर्च और डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब मैंने छोले में भी 1/2 चम्मच नमक डाला था, लेकिन हमें पालक भी पकानी है तो मैं इसमें 1/2 चम्मच और डाल रही हूँ नमक। तो अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता, यानी कि तड़का अच्छे से बन जाए, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पालक। तो इसको हम पका लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये प्यूरी। ये मैंने 600 ग्राम पालक ली थी, उसको मैंने धो के उबाल लिया था। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। हम इसको फिर से चलाते हैं। तो अब हमें पहले पालक को पकाना है, क्योंकि छोले तो हम ऑलरेडी उबाल चुके हैं। पालक को पकाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ये कोई 50 ml के करीब पानी है जो कि मैं इसमें मिला रही हूँ। और अब हम इसको ढक के रख देते हैं। अब इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे ढक के, और उसके बाद फिर हम इसमें छोले मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो गया, बिल्कुल इसके ऊपर आ गया। अब हम इसके अंदर
ये जो हमने चने बॉईल किए थे वो इसमें मिक्स कर देंगे। और पानी के साथ ही इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों अब मैं यहाँ पे डालूंगी गरम मसाला। ये आधा चम्मच के करीब है। दोस्तों अब हमें 10 मिनट के लिए इसको और पकाना होगा ताकि जो छोले हैं और पालक है ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। पालक का जो पूरा ग्रेवी है बिल्कुल एकदम पालक जो है वो छोले के अंदर एकदम से जो है वो अच्छे से मिल जाए। तो अब हम इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए रखते हैं। तो दोस्तों मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने बीच में इसको एक बार चेक कर लिया था तो ये हमारी सब्जी एकदम से बनके तैयार है। आप देख सकते हैं छोले एकदम से बढ़िया पके हुए हैं। तो चलिए आप चाहें तो यहाँ पे आप एक नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी छोले पालक की सब्जी बनके तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप पालक घर पे लेके आएँ तो उसको वाइट चने के साथ ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। कोई रेसिपी आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं बनाने के लिए तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। और मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।